हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर टैकर में। दोस्तों मेरा नाम है अवैस और आज मैं आपको एक ऐसे स्टेटस बार के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही बढ़िया लुक देता है आपके मोबाइल को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टॉप पे देख पा रहे हैं जो स्टेटस बार है आज कुछ जो है अलग तरह का दिख रहा है। ये बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ग्रीन कलर में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ रीडिंग्स दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, डे दिखा रहा है और ये यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है और यहाँ पर जो है अवेलेबल रैम और यहाँ पर जो है कितनी मेमोरी फ्री है और यहाँ पर जो है कितनी मेमोरी यूज कर चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी अच्छा मोबाइल का जो है लुक दे रहा है। आप जो है अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल मिस्टर टैकर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको अगर इसमें कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे इस एप्लीकेशन में तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर टैकर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर से यहाँ पर जो है आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, स्टेटस बार मिनी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको जो है कुछ परमिशंस मांगेगा तो आपको जो है उस परमिशंस को ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो स्टेटस में आप यहाँ पर अपने स्टेटस बार को ऑफ कर सकते हैं और फिर ऑन भी कर सकते हैं और इस स्टेटस बार की जो है आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, आप नीचे ला सकते हैं। आप इस स्टेटस बार की जो है लोकेशन कहीं भी रख सकते हैं अपने मोबाइल में, चाहे तो बॉटम पे ले आइए, साइड में ले आइए, बीच में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ मन करें आप वहाँ इसके स्टेटस बार को जो है एडजस्ट कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसका साइज़ जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर रीडिंग्स में क्या है, आप जो है सबसे फर्स्ट वाला जो आप रीडिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं वो डेट की है, तो आप उसको अगर डेट नहीं रखना चाहते तो उसको आप हटा भी सकते हैं या फिर आप जो है अपना जो है डे हटा सकते हैं। यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर लगा सकते हैं, 36 डिग्री सेंटीग्रेड बैटरी का जो है टेम्परेचर दिखा रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर काफ़ी जो रीडिंग्स दे रखी हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो है सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑर्डर, यहाँ पर आप अपने जो है इन सारी रीडिंग्स को जो है ऑर्डर कर सकते हैं, आगे पीछे लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको जो है लेआउट, मतलब हॉरिजॉन्टल, इस टाइप से आप हॉरिजॉन्टल इसे बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। और यहाँ पर आप काफ़ी कुछ कलर्स आपको मिल जाते हैं, अगर आप वाइट कलर करना चाहें तो वाइट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर कर सकते हैं, येलो कलर कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं और भी बहुत सारे कलर आपको जो है मिल जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पर अपनी जो है टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से आप जो है नीचे आते हैं तो उसकी जो है लोकेशन अपने अकॉर्डिंगली जो है चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लेफ़्ट में ला सकते हैं, राइट में या फिर सेंटर पे रख सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है आप अपनी कोई भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी नीचे रख सकते हैं, जहाँ आपको जो बेटर लगे वहाँ आप इसकी लोकेशन को जो है सेट कर सकते हैं। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे में क्या है, जो कस्टम साइज है यहाँ पर आप जो है इसका साइज कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ आप देख रहे हैं अभी बहुत काफ़ी बड़ा हो गया है, तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और अपने अकॉर्डिंगली इसकी जो हाइट वगैरह है, हाइट भी घटा बढ़ा सकते हैं और इसकी चौड़ाई भी जो है घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो है फॉन्ट के स्टाइल मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फॉन्ट स्टाइल जो है चेंज हो रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली जो है आप इस फॉन्ट को जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, बहुत बढ़िया लुक दे रहा है। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन से जो है अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं और ये इस एप्लीकेशन को आप जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपको इस ये एप्लीकेशन बेटर लगता हो।
और दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।